किंग का खाना चूक न जाना। आज हम लोग हैं अहमदाबाद में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस समय सुबह के 5 बजे हैं और हम जा रहे हैं दिल्ली से अहमदाबाद की ओर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और दिल्ली से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। चूक न जाना किंग का खाना। चूक न जाना किंग का खाना विद चाय। चाय दही के साथ देना, ये करते चलते। चाय मंगा लो साथ में। चाय मंगा लो, मसाला टी मंगा लो। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और हमने मंगाया है पनीर पराठा और ये बटर है। एंड मेरा है पनीर पराठा विद दही। सो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये सबसे अच्छा है कि देखो दोनों में दही दिया है, दोनों में ही बटर दिया है, कुल्हड़ में ही है। उनका खाना हमने चूका नहीं और हमने खा लिया, क्योंकि आधे घंटे से हम लोग वो होर्डिंग्स देख रहे थे कि चूक नहीं जाना खाने का। नहीं, यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है और सच्चिदा ने भी यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट हमने किया उसको काफ़ी एंजॉय किया और चाय भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम चलने को तैयार हैं हाईवे किंग से। और अब कैसा लगा खाना? खाना अच्छा था, वेरी नाइस, टेस्टी, सर्विस अच्छी थी, फास्ट थी। नहीं, चाय बहुत अच्छी थी। चलो रियली किंग का खाना चूक न जाना। बहुत टेस्टी है और अभी मैं सिर्फ हस्बैंड के साथ हूँ बट बेटे के साथ जरूर यहाँ आऊँगी। जयपुर सिटी क्रॉस कर रहे हो? हम लोग अब जयपुर से जयपुर को बाईपास कर रहे हैं, बेसिकली हम बाईपास से निकल रहे हैं। और हमारा चालान भी कट गया इस चक्कर में। 1000 रुपीज। 80 की स्पीड लिमिट और हम लोग 98 पे चल रहे थे। अब क्या करें, मजबूरी में देखो 77 चलना पड़ रहा है। दिल्ली से जयपुर तक आपको काफी ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जयपुर जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक काफी कम हो जाता है और रोड भी काफ़ी अच्छा है, हाईवे भी काफ़ी अच्छा है, तो आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। ब्यावर 86 किलोमीटर्स, अजमेर 32 और किशनगढ़ सिटी को हम अब बाईपास कर रहे हैं और अहमदाबाद है अभी 566 किलोमीटर्स। कैसा लग रहा है ड्राइविंग करने में, मजा आ रहा है? यस, वी आर गोइंग बैक टू मुंबई After covering 9 states in almost 9 days, 9 din mein 9 states. Wo state? One day, one state. Kya state hai? Oh, aap guess kijiye aur comment karke bataiye hame. Aur ye bahut hi exciting. Challenging state hai, bhai. Nikalte hue. एक्साइटिंग जर्नी थी काफ़ी, अभी भी जर्नी बची हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, अराउंड 1000 किलोमीटर्स की जर्नी अभी भी है। मुंबई अभी यहाँ से है 900 किलोमीटर्स, बट हम स्ट्रेट वे मुंबई नहीं जाएंगे। से निकल रहे हैं, नेक्स्ट जो सिटी है वो है पाली। तो हाईवेज काफी अच्छे हैं,
अभी थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम है और हमारी गाड़ी की स्पीड 107 और हम 100 से ऊपर चल रहे हैं, आराम से क्रूज कर रहे हैं। फ्लाइट में तो आप कुछ नहीं देख सकते, आप सो जाओ 2 घंटे 2.5 घंटे बस ये है कि समय की बचत है, बाद बाकी तो एंजॉयमेंट है। लेकिन अगर आपको अगर आप घूमने के शौकीन है, रोड ट्रिप के शौकीन है, या आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है या रियल नेचर से अगर आपको लगाव है तो फिर आप रोड ट्रिप ही करिए, है ना। रोड ट्रिप करके ही मजा आता है। रोड ट्रिप में एकदम आपको जो है रूरल इंडिया से आप निकलते हो, अलग अलग शहर कल्चर, उसकी एक झलक तो आपको दिखी जाती है। यस, ये देखिए पहाड़ ऊपर आसमान, स्काई रियली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो ब्लू स्काई पे व्हाइट पैचेस, यस, और नीचे ग्रीन, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी है। पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो पा रहा होगा, ये आंखें तृप्त हो रही है, बट रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम अपने नॉर्मल रूट से हटके जाएंगे। दिल्ली से आप वाया आगरा भी आ सकते हो, आगरा मुंबई हाईवे पकड़ के भी, लेकिन हमने कहा नहीं, इस बार हम वाया जयपुर अजमेर अहमदाबाद चलते हैं। इस रूट पे मैंने ट्रेवल किया है बहुत साल पहले, बाइक बाइक राइड की थी ना, बाइक राइड की थी एक दिन में दिल्ली से जोधपुर 550 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। यस, बाइक से अपने पापा को बिठा के ना। यस, तो इस बार हमने सोचा कि चलो इस बार जर्नी डबल है, एंजॉयमेंट भी डबल है, और मतलब एक्सयूवी में कंफर्ट भी है, तो इसलिए आपने तो आपको तो पता ही है इसमें हमने दो बार से मुंबई और मुंबई से कानपुर दो ट्रिप दोनों एक एक दिन में कवर कर दी। नॉन स्टॉप रियली मजा भी आया, एडवेंचर वाली राइड थी। यस, पहाड़ भी मतलब बहुत अच्छे हैं नहीं एकदम। अभी पाली 100 किलोमीटर और सिरोही 210 और सोजत ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। तो पाली से हमने वापस जोधपुर के लिए टर्न लिया था जब हम बाइक से गए थे। ये तो रियली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। यस, पहाड़ों को चीरते जैसे बोलते हैं पहाड़ों को चीरते हुए, तो है मतलब फ्लाइट की जर्नी हमें मजा ही नहीं आता है। वही है कि आपके पास जहाँ पे टाइम कम है अब वहाँ पर आपको फ्लाइट से आना जाना मजबूरी है, लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा क्रेजी थी कि किस कैसा होता है, मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत क्रेजीनेस थी, बात बाकी तो मजा नहीं आता ही। कंफर्ट तो अपनी पर्सनल प्राइवेट वाहन में ही होता है नहीं, जो आप इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हो और अच्छे अच्छे सीन देख करके मन तृप्त कर सकते हो। नहीं, जोधपुर आते थे तो बीच में बहुत रेगिस्तान दिखता था, बहुत मतलब ऐसा हरियाली के नाम का कुछ भी नहीं था, रेती रेत था चारों तरफ, झुलसे हुए पौधे दिखते थे, बट यहाँ देखो हरियाली से ढके हुए पहाड़। जैसा
अब लंच का टाइम हो गया है, अब स्टॉल के बाद हम रुकते हैं कहीं पर लंच करने के लिए। और हम लंच करेंगे नमस्ते का स्वाद घर की या नमस्ते 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 इंडिया। नमस्ते का स्वाद ले लिया है, नमस्ते इंडिया का स्वाद। और अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए अहमदाबाद के लिए। नमस्ते का स्वाद घर की याद, और झन्नाटेदार हमारा ये सफ़र कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा लगा नमस्ते इंडिया का स्वाद। यस, फूड वाज वेरी टेस्टी, जम के खा लिया है, छाछ भी पी ली है। और अब चलते हैं अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद अभी है 328 किलोमीटर, और गूगल अभी दिखा रहा है 5 आवर्स, और टाइम इस वक्त हो रहा है 2:50। 5 आवर मतलब इवनिंग 7:50 हम लोग का ETA है अहमदाबाद। अरावली की पहाड़ियाँ एकदम कह सकते हो कि ऐसा लगता है इनमें थोड़ी देर रुक के एंजॉय कर लें, मगर रुकने के लिए टाइम नहीं है। बट चलो कोई नहीं, ऐसे ही हम आंखों को सेक लेते हैं, देख के ही खुश हो लेते हैं। पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बीच में हरियाली है, ऐसा लग रहा है पेंटिंग, मतलब नेचर की पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से चल रहे हो। एक बार हम इस रोड से निकले हैं जो रेंट पे करके हम माउंट आबू घूमने गए थे, जब हायर करके माउंट आबू और उदयपुर जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से गए थे 2008 में। यस, 2008 में। और आज 22 मतलब कितने साल बाद इस रूट से हम निकल रहे हैं? 14 इयर्स। हाँ, और क्या। ब्रेक लेंगे, उसके बाद चलेंगे तो
कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 7:30-8। 7:20 दिखा रहा है। दिखाने दो, 7:20 तो बहुत अर्ली है। अब हम सुंदर के नगर आ गए अहमदाबाद। अब इस छोटे से ब्रेक के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। 12 आवर हो चुके हैं हमें ड्राइव करते करते, और अब हमारा लास्ट स्टॉपेज होगा अहमदाबाद, वहीं नाइट स्टे करेंगे। फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच गए। फर्स्ट टाइम अहमदाबाद विजिट कर रहे हैं, क्या कहते हो? मैं, और ये पहला सिटी होगा जो मैं अपने बेटे के साथ नहीं हूँ। और आज के होस्ट हैं करण एंड प्रमिला। प्रमिला, आज हम लोग हैं अहमदाबाद में, हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं पुराने दोस्तों के साथ। अब बज गए हैं रात के 11 और हमारा डिनर भी हो चुका है, और इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग जो होगा अहमदाबाद से मुंबई का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।